उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के ग्राम वैठ में भारी मतों से नवनियुक्त प्रधान हाजी रईस को विजयी बनाया और गांव वालों का विश्वास है कि अच्छे प्रत्याशी को हमने जिताया है और जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि हाजी रईस के शाह परिवार अब से पहले 40 साल तक प्रधान रहे। उस प्रधानी के अंदर काफी लोगों को राहत मिली और अच्छा विकास हुआ। शाह परिवार से हाजी रईस को चुना। वहीं हाजी रईस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जो जिम्मेदारी मुझे ग्राम वासियों ने दी है उसको बखूबी निभा लूंगा और गांव का विकास करूंगा, ये मेरा वादा है। नवनियुक्त प्रधान हाजी रईस ने कहा, मैं ग्राम वैठ की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ जी, बताइए सर। सबसे पहले तो मैं अपने गांव की जनता का, आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, वोट सपोर्ट और अपने दुआओं से मुझे नवाजा। और इन 5 सालों में मैंने जो गांव की आवाम से वादे किए हैं, वो चाहे तालीम से मुतालिक हो या गांव की सफाई सुथराई का हो या गरीबों के राशन का हो, वो इंशाल्लाह उन सभी वादों को मैं पूरे करने की कोशिश करूँगा। और ये भी यकीन दिलाता हूँ कि हर जो मैंने वादा किया है, मेरी पार्टी, मेरा परिवार, मेरा संगठन उन्हीं सभी वादों को पूरा करने की कोशिश करेगा। और सारे जो भी मैंने वादे किए हैं उसमें, चाहे तालीम का हो या और राशन से मुतालिक हो और चाहे सफाई सुथराई का हो, उन सभी चीज़ों को बहुत बहुत ध्यान दिया जाएगा। और जो नौजवान तबके से मैंने खेल के मैदान का भी वादा किया है, तो उसका भी इंशाल्लाह अल्लाह की दास है, उम्मीद है कि मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। 5 सालों में ऐसा कुछ नया क्या करोगे आप, जो काम रह गया था पिछले 5 साल में, और जो आप कुछ नया करोगे? नाभी खरंजे, ये तो एक आम चीज़ है। मेरा जो और हमारी पार्टी का जो अहम एजेंडा है वो तालीम से जुड़ा हुआ है। अभी पिछली बार एक इंटर कॉलेज लड़कियों का जो आया था गांव के लिए, वो कुछ शैतान लोगों ने उसे किसी तरीके से कैंसिल कराने की कोशिश करी है। मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि उसे वापस दोबारा लाने की हमने कोशिश करेंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो वापस आके रहेगा। हमारी पार्टी ने जो चुनाव जीता है, चुनाव के जीतने का मेन एजेंडा है इस गांव में शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर है। हमारी जो बहन बेटियां गांव से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पढ़ने के लिए दूर जाती हैं, हम पैराइडी पर ये कोशिश करेंगे कि हमारे गांव के अंदर एक इंटर कॉलेज आया था, वो इंटर कॉलेज लड़कियों का इस गाँव में कायम किया जाए और अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ाया जाए। इसके अलावा गाँव में जो भी प्राथमिकता के आधार पर, चाहे वो मकान है चाहे शौचालय है, जो भी गवर्नमेंट की योजना इस गांव में आवाम के लिए आएगी, हम उसको सीधा सीधा आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और बीच में उसमें जो काला बाजारी होती है उसे रोकने का काम करेंगे।